में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज मैं बनाने जा रही हूँ चूड़े के साथ डोसा। पोहा, चूड़े को पोहा ही बोलते हैं, और पोहा का वेजिटेबल डोसा बनाने जा रही हूँ, और वो बहुत टेस्टी होने वाला है क्योंकि हम बहुत हेल्दी तरीके से बना रहे हैं। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। आपने डोसा बहुत बनाया होगा, लेकिन चूड़े के साथ पोहा, पोहे के साथ डोसा नहीं बनाया होगा आपने। तो आज मैं आपको पोहे के साथ डोसा बनाना बताऊंगी, और इसके साथ मैंने लिया है शिमला मिर्च, प्याज, गाजर, हरी मिर्च और नमक। तो ये आप देख सकते हैं कि ये गांव का चूड़ा है। अक्सर हम गांव से चूड़ा ले आते हैं और बच्चे इसे पोहे के रूप में खाना पसंद नहीं करते हैं। तो इसका हम अगर डोसा बनाएं तो पता भी नहीं चलेगा कि ये हमारा गाँव का चूड़ा है। और आप कोई भी वैसे चूड़ा ले सकते हैं बनाने के लिए, लेकिन मैं इस चूड़े को ख़ास तौर पर इसलिए ले रही हूँ ताकि इससे हम अच्छे से बना सकें। इसको मैं दो से तीन बार पानी से वॉश करूँगी, उसके बाद इसको पानी में मैंने भिगो के रखना है। तो चलिए दिखाते हैं आपको। आप देख सकते हैं मैंने इसको दो से तीन बार पानी से धो दिया था, और इसके अंदर पानी डाल के इसको फूलने के लिए छोड़ दिया था। ये हमारा अच्छे से फूल गया है, आप देख सकते हैं। तो अब हम एक जार ले लेंगे, और जार के अंदर ये भिगोया हुआ पोहा हम इसके अंदर डाल देंगे। इसको हम बारीक पीस लेंगे। तो मैं इसको ग्राइंड कर लेती हूँ, और ये ग्राइंड हो गया है तो अब मैं इसको हटा लूँगी। आप देख सकते हैं ये बहुत अच्छा पीस गया है। तो अब मैं एक बर्तन लूँगी और इसके अंदर निकालूँगी। मैंने आधा किलो पोहा लिया है, मुझे पूरे परिवार के लिए नाश्ता बनाना है, तो उसके लिए अब मैं इसके अंदर एक ओनियन डालूँगी, प्याज, आप चाहे तो हरा प्याज भी ऐड कर सकते हैं, एक गाजर ऐड करूँगी, यह कद्दूकस किया हुआ गाजर है, और एक शिमला मिर्च ऐड करेंगे हेल्दी बनाने के लिए, और इसके अंदर एक हरी मिर्च ऐड करेंगे। ये सब डालने के बाद मैं इसके अंदर एक कप सूजी भी ऐड करूंगी, एक कप सूजी यानी कि 250 ml। अब सबको हम मिक्स कर देंगे, उसके बाद नमक डालेंगे। अब इसे हम धीरे धीरे मिक्स करेंगे। पहले हम इसको अच्छे तरह मिक्स कर लेंगे, फिर इसके अंदर नमक और पानी ऐड करेंगे, क्योंकि जितनी क्वांटिटी के हिसाब पानी इसको ज़रूरत पड़ेगी उतना ही डालेंगे, क्योंकि पोहे में ऑलरेडी हमने पानी डाला हुआ है। ये अच्छे से मिक्स हो गया है, लेकिन काफ़ी गाढ़ा है, तो हम इसके अंदर थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते हुए, आज जिस जार में मैंने पीसा था उसी जार में मैंने थोड़ा सा पानी डाल के, हम थोड़ा सा भी वेस्ट नहीं करना चाहते, ऐसे धीरे धीरे मिक्स करते हुए इसमें पानी डालते जाएंगे। एकदम डोसा के बैटर की तरह बना लेंगे, उसके बाद हम डोसा बनाना स्टार्ट करेंगे। आप देख सकते हैं ये एकदम परफेक्ट डोसे के बैटर की तरह ये हो चुका है। अब मैं इसके अंदर नमक डालूंगी, आधा चम्मच नमक डालेंगे, और थोड़ा सा और आप टेस्ट के हिसाब से अपने नमक डाल सकते हैं, और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। अब मैं इसको मिक्स करने के बाद इसको सेट होने के लिए थोड़ी देर के लिए रखूंगी। तो मैं 5 से 10 मिनट के लिए इसको सेट होने के लिए रखूंगी, ताकि सूजी जो हमने डाली है वो अच्छे से फूल जाए। 10 मिनट हो गए हैं, और आप देख सकते हैं ये काफ़ी ठीक हो गया है। ठीक तो नहीं हुआ है, यदि ये एकदम परफेक्ट है, ऐसा ही होना चाहिए था, पानी मतलब एकदम सही भरा है इसमें। अब हम इसमें थोड़ा सा दही ऐड करेंगे और इसको मिक्स कर लेंगे, उसके बाद हम डोसा बनाना स्टार्ट करेंगे। अब इसके ऊपर मैं 1.5 चम्मच तेल डालूंगी,
और इसको अच्छी तरह से पूरे तवे से हिला लेंगे। स्टार्टिंग में तेल डालना चाहिए, उसके बाद तेल मना नहीं भी डालेंगे तो भी चलेगा। बस चारों तरफ अच्छी तरह से फैला लें। फैलाने के बाद थोड़ा सा डालिए और इसको फैला लीजिए। इससे बहुत बड़ा डोसा नहीं बनता है, मीडियम साइज का बन जाता है। इसको हमने डाल दिया है डोसे को, अब इसके ऊपर हम थोड़ा सा तेल डालेंगे, बस थोड़ा सा। उसके बाद अगला जो भी डोसा बनाएंगे उसमें हम तेल नहीं डालने वाले हैं, बस ये फर्स्ट वाले में ही डालेंगे। चलिए अब इसको हम पलट लेते हैं। तो धीरे धीरे से पहले हम साइड का निकालेंगे, पहले हम बीच का नहीं निकालेंगे, पहले हम साइड का निकाल लेंगे, उसके बाद बीच का पकड़ते हुए पलट देंगे। थोड़ा सा फोल्ड भी हो जाए तो इसको सीधा कर दीजिए। देखिए कितना अच्छा सिका है हमारा डोसा। अब हम इसे सीधा कर लेंगे, सीधे सीधे थोड़ा थोड़ा से पकड़ते हुए। अगर ये जो हमारा फोल्ड हुआ था ये टूट सकता है, तो अब हम इसे फोल्ड कर लेंगे और इसको निकाल लेंगे। आप देख सकते हैं हमारा डोसा बहुत अच्छा बना है और ये बहुत टेस्टी भी है। तो इस अब हम इसके ऊपर हल्का सा पानी डालेंगे। पानी डालने से हमारा डोसा बहुत अच्छा बनेगा। और अब हम इसके ऊपर तेल बिल्कुल भी ना डालेंगे और इस तरह से हम अपने डोसे को अच्छे से फैला लेंगे धीरे धीरे। इसको फैलाते समय बिल्कुल भी जल्दीबाजी नहीं करनी है, नहीं तो ये कहीं से पतला कहीं से मोटा हो जाएगा। तो चलिए इसको पक जाने देते हैं। इसके ऊपर डोसे के ऊपर हम थोड़ा सा तेल डालेंगे ताकि ये अच्छे से क्रिस्पी हो जाए। अब इसको नीचे से धीरे से निकालते हुए आप पलट लीजिए। देखिए कितना अच्छा डोसा बना है हमारा। अब ये हमारा जब पक जाए उसके बाद आप इस तरह से पलट लीजिए और इसको यूं करके प्लेट में निकाल लीजिए। देखिए कितना अच्छा डोसा बन के रेडी हुआ है हमारा। इसी तरह हम सारे डोसे बना लेंगे। हमारा पोहा का बढ़िया सा टेस्टी डोसा बन के तैयार है। अगर आप चाहते हैं कि आपका डोसा क्रिस्पी बने तो आप उसमें सब्जियां ना डालें तो वो अपने आप ही क्रिस्पी हो जाएंगे। और ये डोसा बहुत टेस्टी है, आप एक बार बना के ट्राई कीजिए। इसके साथ आप नारियल की चटनी भी सर्व कर सकते हैं या फिर कोई धनिया की चटनी भी नॉर्मल यूज कर सकते हैं, बहुत टेस्टी लगेगा। तो बनाइए और मुझे बताइए कि आपको कैसा लगा। अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कमेंट और शेयर करना ना भूलें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।